सी और डी कैटेगरी ऐसी है, ये बस आपको जस्ट जब भी रिवाइज करो कैटेगरी ए या बी का चैप्टर, साथ में एक दो चैप्टर कैटेगरी सी और कैटेगरी डी के जरूर आपको देखने हैं, ठीक है ना। चाहे जैसे पॉलिटिकल हुआ, टनेज हुआ, या फिर जो आज हमने करा सेटलमेंट हुआ, ठीक है ना, ये आपको करके चलना है, क्योंकि यहाँ से कभी कभी चार चार दो 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 नंबर की बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। और हाँ, दूसरा रूल क्या है, एमसीक्यू। इस बार मेरे एक स्टूडेंट है ध्रुव, उसके 69 मार्क्स आए हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक मिनट रुको, तुम्हें मोटिवेट करता हूँ गाइस। जो रियलिटी है मैं उसको मोटिवेट आपको बताता हूँ। माई सी मार्क्स दिखाता हूँ, अगर ये स्टूडेंट्स कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, इन द सेम वे इन स्टूडेंट्स ने पिछली बार क्लास ली थी, जिस तरह ये फ्री बैच है हमारा, उसी तरह पिछले बार भी हमारा एक बैच था जो कि कंप्लीटली फ्री था, ठीक है ना। तो फ्री मतलब, फ्री का मतलब ये नहीं होता कि भाई कुछ करना नहीं है, फ्री का मतलब होता है दुगनी मेहनत करनी है, और नथिंग इज फ्री। आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम, और तुम वो डिवोट कर रहे हो, तो एक्सपेक्ट कि अगर आप टाइम डिवोट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाए। ये मिस्टर ध्रुव है, ध्रुव सिंह, इनका जो वीकनेस था इनका राइटिंग था, और साथ में सिली मिस्टेक्स था। टेस्ट में बंदे के 50-55 नंबर से ऊपर कभी नहीं आए, 69 आए डीटी में, ठीक है ना। इसको मैं बहुत टोकता था। इसके अलावा पलक है डीटी में, मतलब बुरा हाल था पलक, ऑफ रेट 60 मार्क्स पलक के आए हैं। ये जो है पहले, ये भी ग्वालियर मध्य प्रदेश एमपी से हैं, और पलक भी ये मेरे टच में बहुत हैं। ये दिव्या, मैं बताऊं दिव्या भी एमपी से हैं, और इनके यहाँ तो बाढ़ आई थी, बाढ़ में एक मगरमच्छ भी आ गया था इनके घर के आसपास। तो भाई मैं बताऊं, दिव्या और ध्रुव, ध्रुव और दिव्या में अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, तो दिव्या का जो राइटिंग था, प्रेजेंटेशन था, और टेस्ट में जितने भी टेस्ट हुए थे, ध्रुव से हमेशा 20% आ गई थी, लेकिन मार्क्स 45% आए। उसका रीजन ये था कि शायद उसके करे हुए क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है जी। इसको भी डीटी में पास होने से थोड़ा सा घबराती थी दीक्षा। ये मतलब वेरी इंटेलिजेंट, इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने इसको बहुत गाइडेंस किए, इसने टेस्ट सीरीज में डेडिकेटेडली पार्टिसिपेट किया, क्लासेस में भी थी, 59 मार्क्स आए हैं, एक मार्क्स कम था जिसको मिशन 60 में अचीव नहीं कर पाई, बट कोई ना। प्राची, प्राची पे, ध्रुव पे, पलक मंगल के साथ मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। इनका स्कोर पिछली बार 27 था, और 27 से शी जम्प 61, ठीक है ना। तो ये कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि ये मैंने माई सीरीज, मतलब मैंने अपने लिए रखा है कि कल को मुझे लगे कि मैंने क्या अचीव करा, तो मेरे पास ये 10 स्टूडेंट्स के नाम है। यस, 6 मंथ मैंने मेहनत करी थी इनके साथ, और इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम्स क्लियर करा, ठीक है जी। पलक 59, ये भी आज सीए हैं, तो अभी तक जितने दिखाए मैंने अभी वो सीए बन गए। ये संकेत, ये भी सीए हैं, इन्होंने, ये मेरा क्या कहते हैं वो है, मतलब मेरा मतलब स्टूडेंट नहीं है, मेरा दोस्त है। मैं आपको बताऊं, मेरा ग्रुप जल्दी क्लियर हो गया था, तो इनको तो जैसे मैं मोटिवेट करता था, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज में नहीं देते थे, खाली मोटिवेशन था, बस इनको थोड़ा पुश करता रहता था, भाई कर ले कर ले कर ले कर ले। बाकी जितेंद्र 47 ये कह रहे थे मेरा भी फोटो लगाना सर, मैंने कहा चल लगा लेते हैं। तो ये आपके अभी भी डाउट ग्रुप में है। और ये आर्या, ये छत्तीसगढ़ से हैं, ये भी छत्तीसगढ़ से हैं, और आर्या ने भी मिशन 60 में तकरीबन 61 मार्क्स आए। निशिता, इनका बेहाल हाल था जिस सिचुएशन में ये थी, शायद आप में से कोई स्टूडेंट ना हो, मैं ऐसा प्रे करता हूँ, इनके साथ बड़ी समस्या थी, जो भी मैक्सिमम हो जाए। और पिछली बार भी ये लगभग क्या कहते हैं 39 मार्क्स पे रही थी, तो इसको 40 लाने का डर लगता था, 50 लेके आई है। तो ये छोटा सा एक मोटिवेशन है, मतलब जब ये बच्चे कर सकते हैं ना, तो मतलब आप तो यार पिछली बार तो ये मतलब 35 थे मेरे, दो अटेम्प्ट में लगा के, मतलब नवंबर और जैन वाला ऐसे था ना, तो उसमें लगा के, सॉरी मई में और नवंबर में लगा के, ठीक है जी। तो अगर ये स्टूडेंट्स कर सकते हैं, इसके अलावा चंद्रबान है, वो भी पास हुआ है, उसने भी मार्क्स नहीं भेजे, और भी दो तीन बच्चे हैं हमारे जो पास हुए हैं, अभी उनके मार्क्स नहीं आया है, फीडबैक नहीं आया है, ठीक है ना। बट कहने का मतलब है जब ये कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। और रही बात 60 मार्क्स की, सीधी सी बात है, 60 मार्क्स लाने के लिए आपको पूरा का पूरा डीटी पढ़ना पड़ेगा। मैं फिर से कहना चाहूंगा, एक तो अपना एमसीक्यू, आईसीआई का जो एमसीक्यू है, ठीक है जी, वो एमसीक्यू में तुमसे बेटर कोई ना हो, ध्यान रखना।
एमसीक्यू में तुमसे बेटर कोई ना हो, सबसे पहले यहां प्रायोरिटी देनी है। एमसीक्यू के बाद आता है ए बी कैटेगरी, ये हो गया। उसके साथ ही साथ आपको सी और डी कैटेगरी तो नहीं सजेस्ट करूंगा, सी कैटेगरी करनी है और साथ में आपको केस लॉज करने हैं, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा करके चलना है, मैं थोड़ा प्रोफेशनली नहीं लिख पाऊंगा।